हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे जो स्थापित होने वाली संस्थाएं, यानी कि हिंदी राष्ट्रभाषा जो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा बनी, तो या और मानक भाषा जो हिंदी जो हमारी जो भाषा बनी, उस भाषा को बनाने के पीछे जो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं स्थापित की गई, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो देश था, अलग अलग समय पर अनेक राजाओं के प्रभाव में था, और हम जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने राज्य किया, उस समय की जो भाषा थी संस्कृत थी, और उसके पश्चात जो कौरवों और पांडवों ने राज किया, उस समय की भाषा भी संस्कृत थी। इसके पश्चात जो अन्य लौकिक राजा थे जो जिन्होंने भारत पर राज किया, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जिस भाषा की जो लैंग्वेज थी, उन्होंने उस भाषा को अपनाया, और इस तरह से जो ईसवी जो सन जब प्रारंभ हुआ, और कनिष्क के समय में जब 78 जो ईसवी पूर्व जब जो नया संवत शुरू हुआ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना जब चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और इसके पश्चात जब सम्राट अशोक का जो समय आया, तो उन्होंने भी अपना अपना प्रभाव दिखाकर भारत पर राज किया, और जैसे कलिंग का युद्ध हम सभी जानते हैं कि उसमें कितने निरीह जो प्राणियों की जो जान चली गई, और इसके पश्चात जो राजा हुए उनकी जो अलग अलग प्रकार की जो अनेक भाषाएं हुई, और ये हम जैसे कि हम जब जानते हैं कि जब 1526 ईस्वी में जब पानीपत का जो पहला जो युद्ध हुआ, और उस समय जो बाबर जब भारत में आया, तो उन्होंने तो तभी से क्या है मुसलमानों का राज हुआ, और मुसलमानों ने जो अपनी जो लैंग्वेज को अपनाया, उनकी जो लैंग्वेज थी फारसी लिपि में उर्दू भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और ये जो उर्दू जो भाषा थी भारत की, उन्होंने जो राष्ट्रभाषा भी बनाई थी, और उन्होंने उनकी जो राजकाज की भाषा जो उर्दू भाषा है, जैसा कि हम आज भी जब अखबारों में पढ़ते हैं कि जो पुराने समय के जो दस्तावेज है या लिखित दस्तावेज है, उनमें उनकी जो लैंग्वेज पढ़ने वाले, यानी कि जो उर्दू भाषा को जानने वाले बहुत कम मिलते हैं। अभी थोड़े दिनों की ही चर्चा है, यहाँ हाँसी में भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज दिखाए गए हैं है जो लंबित मामले पड़े हैं कि जहाँ पर इस भाषा को पढ़ने वाले ही जो नहीं मिलते। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो एक भाषा का प्रभाव एक राजा के प्रभाव से पड़ता है, कि राजा की जो भाषा होगी वही जो अपने जो राजकाज में यूज करेगा। और इस प्रकार जब मुसलमानों का राज था, जब भारत में मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक राज किया, और इस प्रकार जो मुसलमानों ने जो उर्दू मिश्रित जो शब्दावली अपनाई और फारसी लिपि का प्रयोग किया, और उर्दू भाषा को उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज बनाया, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी एक भाषा का बोलबाला जब हो, तो उसमें जो सभी जो लोग होते हैं देश में, विभिन्न प्रकार की जातियां होती है, विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, बोलने वाले भी अलग अलग क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं, तो सभी के लिए वही एक भाषा बोला जाना ये एक सही नहीं है कि सभी प्रकार के ही एक ही भाषा का यूज करें। हम जानते हैं कि हमारे जो उत्तर भारत की लैंग्वेज अलग है, और दक्षिण भारत की जो लैंग्वेज अलग है, पूर्व और पश्चिम की जो लैंग्वेज अलग है। हम जैसे कि हमारे जो देश में जो राज्य बनाए गए, सभी की जो भाषाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो अलग अलग भाषाएं हर एक राज्य ने अपनाई है, और हिंदी जो हमने जो मानक भाषा के रूप में अपनाया है, लेकिन जब हमने हिंदी भाषा को एक मानक भाषा के रूप में अपनाया, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई थी।
तो इस लंबी लड़ाई के पीछे बहुत सारी संस्थाएं जो प्रभाव में आई, उन्होंने अपना अपने प्रभाव से अपने आंदोलन चलाए, उसके विकास में योगदान दिया। और वही योगदान जो एक जब 14 सितंबर 1949 में उभर कर आया कि जो हिंदुस्तानी और जो देवनागरी जो लिपि का जो द्वंद था दो भाषाओं का, तो इसमें जो हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले और जो हमारी जो देवनागरी हिंदी थी तो इसमें इसको 78 वोट मिले। तो हिंदी जो देश की राजभाषा बनी मानक भाषा, तो इसमें ये 1 वोट की ही राजनीति थी। तो आज लेकिन राष्ट्रभाषा जो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रभाषा हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी अपनाई गई, लेकिन वो तत्कालिक जो परिस्थितियों को देखते हुए ये 15 वर्ष का समय दिया गया, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज भारत में बहुत लंबे काल से यानी कि 200 या 250 साल तक उन्होंने राज किया। तो उस समय अंग्रेजी के प्रभाव को तुरंत में समाप्त कर देना ये एक समझ की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो हिंदी को समझ पाने में जो कठिनाई महसूस करते थे। तो उन राज्यों में जो हिंदी को अपनाना उन पर थोपना ही था। तो हिंदी जो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा 15 वर्ष का जो समय दिया गया 1965 ईस्वी तक कि 1965 ईस्वी तक हिंदी अपने सारे देश की राजभाषा बन जाएगी, लेकिन ऐसा आज वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने में भी आज तक कठिनाई है। ये बात अलग है कि हर एक जो राज्य है हिंदी से प्रभावित, जो 9 राज्य है जिन्होंने अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाया है, और जो दक्षिण भारत के या पश्चिम भारत के जो राज्य है जिन्होंने हिंदी को आज तक भी सही तरह से नहीं अपनाया है। तो इस आज का जो हमारा जो विषय है उसके विषय में हम चलिए बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के का जो बोलबाला किस प्रकार है, जो आज हम हिंदी को जो पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के रूप में, तो इसका बोलबाला किस प्रकार हुआ और इसमें हिंदी भाषा ने कैसे संघर्ष किया। तो हम पढ़ते हैं कि जब अंग्रेजों का राज था 1765 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल की नवाबी पाई और बंगाल की नवाबी पाने के पश्चात उन्होंने जो अपना जो प्रभाव दिखाना शुरू किया और उन्होंने जो अंग्रेजी से रिलेटेड जो साहित्यकारों को अपना अलग से स्थान दिया और उन साहित्यकारों को जो भारतीय साहित्य था उसको उसका अन्वेषण करने का उन्हें जो काम सौंपा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी में जब कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के एक ऐसा पहला कॉलेज था जहां पर अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से शिक्षा दी जाती थी। और इस जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अध्यक्ष बनाया गया ये भी एक अंग्रेजों का ही एक जो कार्यकर्ता था। तो इसमें जे जे गिलक्राइस्ट जो इसके जो अध्यक्ष बने, और जे जे गिलक्राइस्ट से आगे ही फिर आगे हिंदी को आगे बढ़ाने की जो परंपरा चली। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें जो कौन कौन सी संस्थाएं प्रभाव में आई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रभाषा आंदोलन में स्थापित संस्थाएं, सो यहाँ पर संस्था का नाम सन और अध्यक्ष है। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ये जे जे गिलक्राइस्ट बनाए गए, ये एक विदेशी थे। इन्होंने जो हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी, यानी कि 3 प्रकार की लैंग्वेज उस समय प्रभाव में थी, सबसे पहले फारसी या दरबारी, दूसरी जो भाषा थी वो हिंदवी, और तीसरी जो थी हिंदुस्तानी। यहाँ पर जो फारसी जो भाषा थी
ये एक जन सामान्य है को समझ आने में इस भाषा में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि जो साधारण जो जन है वो फारसी भाषा को बोलने और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करता था। और जो हिंदवी जो भाषा थी, हिंदवी भाषा ये निम्न वर्ग की भाषा थी, निम्न वर्ग की भाषा थी और इस भाषा को बोलने में जो बड़े बड़े जो राइटर वगैरह थे तो इसे निम्न स्तर की भाषा समझते थे। आगे है हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही जो गिलक्राइस्ट थे कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के, इन्होंने इस भाषा को आगे बढ़ाया, हिंदुस्तानी भाषा को आगे बढ़ाया और इसमें उन्होंने जो फारसी और उर्दू भाषा के से रिलेटेड जो शब्दावली उसका प्रयोग किया। और इसी से रिलेटेड अन्य जो विदेशी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के, यानी कि वहाँ पर जो हिंदुस्तानी जो विभाग था उसके अध्यक्ष बनाए गए जे गिलक्राइस्ट, तो उसमें जो गिलक्राइस्ट के प्रभाव से ही हिंदी का विकास हुआ। और इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग की जब स्थापना हुई तो उर्दू भाषा और फारसी लिपि से रिलेटेड जो शब्दावली को अपनाकर हिंदी भाषा का विकास किया। आगे है जो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे राजा राम मोहन राय थे और जो इसकी स्थापना बंबई में हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमारे देश में जो फैली हुई जो कुरीतियां थी, यानी कि उस समय जब अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण जो राजा राम मोहन राय जो जैसे सती प्रथा और बाल विवाह और जो जो जाति प्रथा, इस प्रकार बहुत सारी जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, तो उनको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बंबई में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1828 ईस्वी में की। केशव चंद्र सेन का नाम भी हम इसमें ले सकते हैं और इससे इसके पश्चात इसकी जो दो संस्थाएं बन गई थी। और आगे है जो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज भी एक जो जो मुसलमानी जो यानी कि मुसलमानों की एक संस्था थी, 1868 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना की आत्मा रंग पांडू राय ने बंबई में की, प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में आत्मारंग पांडू राय ने की। इसके पश्चात जो स्थापित हुई जो संस्था आर्य समाज की, जो हम लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की। और 1875 ईस्वी में जो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तो बंबई में की। और ये इस संस्था का लक्ष्य यही था कि लोगों की अज्ञानता को दूर करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और नशाखोरी और भ्रष्टाचार, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना। और जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा और भ्रष्टाचार और जो असमानता, इस तरह की जो असमानता की जो बुराइयां थी तो उनको समाप्त करने का प्रयास स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और फिर इससे आगे फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये एक ईसाई संस्था थी, यानी कि ईसाइयों की एक संस्था थी थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कर्नल एच एस अलवार। इसकी स्थापना मद्रास में हुई। तो हमने पढ़ा कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना 1882 ईस्वी में कर्नल एच एस अलवार मद्रास में, ये एक ईसाई जो मिशनरी थी। आगे है रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में वेल्लूर में इसकी स्थापना की गई और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। इस संस्था का लक्ष्य भी था जो सामाजिक जो असमानताएं हैं या कुरीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए
इस संस्था की स्थापना की गई। और जैसे बच्चों को शिक्षा वगैरह देना और बच्चों को आगे बढ़ाना, भारतीयों को आगे जो रोजगार की दिशा देना या फिर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, इस संस्था का यही लक्ष्य था। और इसकी स्वामी विवेकानंद ने इस संस्था की स्थापना अपने गुरु के नाम पर की, जो स्वामी विवेकानंद हुए इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। जो रामकृष्ण जो विवेकानंद के गुरु थे, और विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलाया, जो 1897 ईस्वी में बेलूर में चलाया। आगे है जो हमारी जो साहित्यिक जो संस्थाएं हैं, ये उनके विषय में हम पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो संस्थाएं स्थापित की, वो संस्था थी नागरी प्रचारिणी सभा। ये कई बार जो HSSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेती है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, और किसने की, वाराणसी में इसकी स्थापना हुई, और श्याम सुंदर दास। बहुत ही बार जो क्वेश्चन आ जाता है कि किसने स्थापना की, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो ये जो नाम है, इन जो तीनों नामों पर रट्टा मार लेना चाहिए कि पेपर में कई बार जो अलग नाम देकर पूछ लिया जाता है कि कौन से कौन है या कौन नहीं है नागरिक प्रचारणी सभा के राइटर, यानी कि इन तीनों का नाम दे देंगे और एक का दे देंगे तो पूछेंगे कि कौन है या कौन नहीं है। तो ऐसा ये एग्जाम में आता ही देखने को मिलता है, ये जो HSSC के एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। जो इसके जो अध्यक्ष थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिशन और शिव कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है, यानी कि जो हिंदी से रिलेटेड जो साहित्य रचा गया और उसका जो सम्मेलन कराने का लक्ष्य जो रखा गया, ये 1910 में इसकी स्थापना हुई। और प्रयाग, जैसे कि प्रयाग इलाहाबाद जो रखा गया, और अब वापिस फिर इस जो इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयाग रखा गया। नेक्स्ट है कि इसकी जो स्थापना मदन मोहन राय ने की। मदन मोहन राय भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसका जो हिंदी राष्ट्रभाषा आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी मदन मोहन राय का जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में है। ये मदन मोहन भी एक सामाजिक जो कार्यकर्ता था, जिसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ की जो स्थापना हुई, ये 1920 में हुई और अहमदाबाद में ही इसकी स्थापना हुई। और इसके पश्चात जो अन्य जो आने वाली जो संस्थाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोबारा एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं कि राष्ट्रभाषा आंदोलन में स्थापित होने वाली संस्थाएं। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए जे गिल क्राइस्ट, और इसकी स्थापना कलकत्ता में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंबई में की। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडु राय ने बंबई में की। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 ईस्वी में बंबई में। इसका जो लक्ष्य था, मूर्ति पूजा का जो विरोध करना था और नशाखोरी भ्रष्टाचार को दूर करना था। इसका नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी ये एक ईसाई मिशनरी थी। इसकी जो स्थापना 1882 ईस्वी में हुई और HS अलवार इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, और मद्रास में इसकी स्थापना की गई। कई बार इसका जो नाम पूछ लेते हैं जगह का नाम, और कई बार इसके अध्यक्ष और कई बार सन। और नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर में, और किसने की, विवेकानंद ने। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई, और इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए, इसके अध्यक्ष थे
श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो ये स्टूडेंट को याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसकी जो स्थापना 1910 में हुई और प्रयाग में हुई, मदन मोहन राय के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है गुजरात विद्यापीठ, 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में इसकी स्थापना की। तो आज हमने कुछ जो साहित्यिक और जो सामाजिक संस्थाओं के विषय में पढ़ा, और इससे अगली जो वीडियो में हम जो अन्य जो स्थापित होने वाली जो राष्ट्रभाषा आंदोलन में या फिर सामाजिक संस्था के रूप में कौन कौन सी संस्थाएं जो काम आई जो राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।